İzzet Bağ, Mehmane Hususi, Cenab Şerdada, Tefaruk Din Sağ, Emine Çıtran ve Muzadiş Muzaruk Yap, Mehmet Sekrıda Tırmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Sanat, Kanun Hükayet, Şevrada, İftihar Ölgün, Kova, Şevrada Tembir Ölgün, Taş ve Gazi, Dr. Sıraldin, Ziyavdin Sağ, or Gandhara Language Conference को जो आज प्रोग्राम आपने इसका इनकार किया है, मैं आपका और अंजमनी तरक्की के द्वार के जितने भी दौरदारान हैं, जितने लोग की यहाँ पे कावश हैं, पिछले मेरे ख्याल में 30-40 साल से या शायद ज्यादा अरसा हो गया है, पर्टिकुलरली जो अंजमनी तरक्की के द्वार से मुंसलिक जिन लोगों की मेहनत यहाँ पे शामिल है, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको खराज तसीम भी पेश करता हूँ कि खसूस हमारे भाई जो गंदारा लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो निशी से तशरीफ लाए हैं, डॉक्टर सलाउद्दीन साहब और जियाउद्दीन साहब और उनके जो बाकी रुका हैं, मैं यकीनन आप इस खराज तसीम के मुस्तक हैं कि यहाँ पे आपने एक बहुत खूबसूरत फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। और तमाम भाइयों को यहाँ पे शरकत का मौका देके हमें एक दूसरे के करीब लाने की हमने कोशिश की, और बिलखसूस जो लैंग्वेज से ज्यादा मुंसलिक जो पवार अदब से मुंसलिक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पवार की बात नहीं है, यहाँ पे बाकी भाइयों ने यहाँ पे जो जिक्र किया बिलखसूस शाहरुख साहब ने कि चित्राल में एक छोटी सी जगह है लेकिन यहाँ पे 14 जबानें हैं, बिलखसूस द्रोश के जो पहले हम तहसील कहते थे उधर जो 4-5 यूनिट काउंसिल्स हैं सिर्फ उधर ही 7 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, तो यकीनन ये एक बहुत फ़ख्र की बात भी है हमारे लिए। और यही हमारे जो कल्चर है, ज़बान है हमारे इलाके की, हम वहाँ भी इसकी जो पीस है यहाँ पे जो अमन है, तो मेरे ख्याल में उसका हमारे कल्चर से एक बहुत बड़ा रिश्ता है। भारत यहाँ पे मुझे मोहम्मद दीन साहब ने चंद एक दिन पहले फ़ोन किया था, मुझे इस्लामाबाद में था कि ये इस तरह का यहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मतलब किया, और मुख्तलिफ टॉपिक्स के यहाँ पे बातें हुई और बाद में भी मेरे ख्याल में सेशन हैं इसके, लिसानी हम आहंगी के ऊपर बात हुई, इस तरह और अदब में मोहब्बत के रवायात, जबान अदब और जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर मौलाना निगाह साहब ने जो बात की, तो ये लैंग्वेज जबान जो है ये एवोल्यूशनरी एक प्रोसेस से गुजरता है, तो यहाँ पे मौलाना निगाह साहब ने जो बात की कि मुख्तलिफ जबानों की काम का जो असर है, चाहे वो अंग्रेजी जबान है चाहे वो फारसी जबान है, तो दुनिया में जहाँ पे भी आप देखें, मेरे ख्याल कोई मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है हिस्ट्री को, तो स्पेन में भी एक जमाने में अरबों की एक बहुत बड़ी हुकूमत रही, कम से कम 800 साल तक उनकी वहाँ पे हुकूमत रही, तो वहाँ पे भी तकरीबन 80% लोग उस वक्त भी मतलब मुसलमान हो चुके थे, लेकिन जो स्पेनिश थे, स्पेनिश इस्माइली जबान बोलने वाले लोग थे, तो उनमें भी एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसको उस वक्त वो मजहब के नाम से यानी कि अरबी बोलने वाले स्पेनिश इस्पानी जो लोग थे उनके नाम से उनको पुकारा जाता था, कि वो लोग तो इस्पानी थे लेकिन बोलते थे अरबी, क्योंकि उस वक्त अरबी जबान का एक उरूज था और वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी जदीद तहकीकात हुई, और मेरे ख्याल में आज के जितने भी जदीद जो तहकीकात हुई है, इन्वेंशन है, उसमें मेरे ख्याल में उन लोगों का बहुत एक बड़ा किरदार रहा है, चाहे वो आजकल के कंप्यूटर के जो एल्गोरिथम्स हैं, इसी तरह बहुत अलजेब्रा वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, तो बहरहाल ये उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त तहकीकात हुई, और आज जो कंप्यूटर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में आज हम लोग जब गूगल करते हैं, तो उन लोगों ने उस वक्त उसके ऊपर जो काम किया, तो
उसका नतीजा है और यकीनन